मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जयपुर पुलिस कंट्रोल रूम में फोन कॉल के जरिए जान से मारने की धमकी दी गई है। इस मामले में आरोपी को डिटेन कर लिया गया है, जिसने दौसा की विशेष जेल से मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी दी थी। वहीं इस मामले में जेल प्रशासन की लापरवाही सामने आने पर DIG जेल मोनिका अग्रवाल ने जेल के कार्यवाहक अधीक्षक कैलाश प्रसाद, जेलर बिहारी और जेल मुख्य प्रहरी अवधेश को सस्पेंड कर दिया है। इस दौरान जेल में सर्चिंग अभियान भी चलाया गया, जिसमें दार्जिलिंग निवासी आरोपी नीमो को डिटेन किया गया है। इस युवक ने मोबाइल फोन से मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी दी थी। सर्च अभियान के दौरान जेल से 10 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को धमकी देने के मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। इसमें पुलिस ने कैदियों को बिजली का मैकेनिक का काम सिखाने वाले राजेंद्र महावर को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि राजेंद्र ही जेल में सिम पहुंचाने का काम किया करता था। पुलिस पूछताछ में सामने आया है, जो सिम बरामद हुई है वो जेल में बंद कैदी रिंकू की मां की आईडी से खरीदी गई थी। इस मामले में ट्रेनर राजेंद्र की भूमिका सामने आने पर पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार किया है। जयपुर से इतला मिली दौसा पुलिस को, किसी ने सालावास जेल से कंट्रोल रूम के 100 नंबर पर टेलीफोन करके आदरणीय मुख्यमंत्री जी की जान के लिए एक थ्रेड दिए, उस पर कार्रवाई करने के लिए या उसको जिस आदमी ने थ्रेड दी या जिस आदमी ने इस प्रकार की गतिविधि की कृत्य किया उसकी तलाश के लिए और जिस मोबाइल से की उसको दस्तयाब करने के लिए निर्देश प्राप्त हुए। दौसा के SP साहब आदरणीय रंजिता शर्मा जी के नेतृत्व में हम लोग सारे यहाँ पे आए, ADM साहब भी आए हैं, DIG इनकी मोनिका अग्रवाल जी भी आई हैं, हमारे CEO चारुल गुप्ता जी भी थी और सारे तमाम यहाँ के आसपास के SHO हम पहुँचे यहाँ पे और हमने यहाँ पे जो पहले जो हमारा थर्ड पर्सन था उसको हमने सबसे पहले लोकेट करने का प्रयास किया, भाई ये मोबाइल नंबर कहाँ संचालित हो रहा है, उसकी हमने लोकेशन निकाली। लोकेशन हमारी अमुक बैरक के सामने आई, उस बैरक से हमने उस आदमी को दस्तयाब किया और दस्तयाब करके उसके पास से पोजेशन से मोबाइल रिकवर किया और उस आदमी को हमने आइडेंटिफाई किया। इसकी सूचना हमने जयपुर बता दी। इसके पश्चात सघन तलाशी के निर्देश थे, फिर हमने जाप्ता और मंगाया, करीब 50 के आसपास हमारे अधिकारी जवान थे, हमने यहाँ के 6 वार्ड हैं, 6 वार्डों की एक एक करके सघन तलाशी ली। सघन तलाशी में फिर उसके बाद में 9 मोबाइल और रिकवरी हुए, कुल मिलाकर 10 मोबाइल जमीन के अंदर दबे हुए थे, उन लोगों को हमने खोद खोद के निकाले, जिसमें 2 एंड्रॉयड फ़ोन थे और 7 कीपैड फोन थे।